नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है लियो यानी सिंह राशि की वीकली लव रीडिंग एंड आप सन मून वीनस राइजिंग से चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर चीज़ जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। एक कार्ड में ऑलरेडी मिल चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, शादी होने वाली है आपकी। ऑलराइट, ओके। सो फर्स्ट इंस्टिंक्ट एक्चुअली मुझे यही आया कि आपकी शादी होने वाली है, बट इट्स अ गुड थिंग। एनीवे, पहली चीज तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप अगर बहुत टाइम से अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने का वेट कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। कुछ सेलिब्रेशन की सिचुएशन बन सकती है पॉसिबली, अगर पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया था अभी तक तो वो अब आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, जिससे आप खुश होंगे या आपका रोका हो जाएगा या आपका एंगेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मुझे डिफरेंट डायरेक्शन की नज़र आ रही है। अभी आपके पार्टनर बहुत मेल्ट एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, मेंड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, चीज़ें अच्छी करना चाह रहे हैं, बट आप उस मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं तो आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बहुत लंबा खिंच गया हो, आपके पार्टनर इतने स्लो मूविंग एनर्जीज के साथ आपकी तरफ आ रहे थे कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो, तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं या इफ यू आर हैविंग अ लव इंटरेस्ट तो यस, आपकी आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, आपकी तरफ कोई आ रहा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। बट अगेन, आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा। अगर आप सपोज सी एवरीवन वांट्स कि उनका पार्टनर जो भी है वो 10/10 हो, बट 10/10 कोई भी नहीं होता है। हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हर जगह करने पड़ते हैं। वी हैव टू मेक दैट पर्सन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट पर्सन होता ही नहीं है। तो अगर आप चाहो कि इसमें ये कमी है बाकी सब अच्छा है, तो अगर वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक लगे, आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने लायक लगे, तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट। एंड यस, गुड थिंग्स आर कमिंग, तो एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी निकल कर आई हैं। बस आपको आपका थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा रिजिडिटी साइड करने की ज़रूरत है। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड स्टार। आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फेयर टाइप के नज़र आ रहे हैं, मतलब कि उनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। उनको चाहिए या तो ये हो या तो ये हो, बीच में गोल गोल घुमाना अभी उनको नहीं समझ आ रहा है। वो आपसे क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन मन में उनको सब पता है कि उनको क्या चाहिए। आपके एनर्जीज की बात करें तो आप सिर्फ एक अच्छी पॉजिटिव सेटल्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख और हार्डशिप्स देखी हैं लाइफ में। कई लोगों ने पर्सनल लॉसेस भी देखे हो सकते हैं, कई लोगों ने हार्ट ब्रेक्स देखे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हार्डशिप्स तो कई तरीके की होती हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव अ गुड लाइफ, मैं मतलब जो भी आए मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी के साथ है, एक स्टेबिलिटी के साथ है। मुझे अब गेम्स नहीं खेलने हैं, मुझे अब बैक एंड फोर्थ नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे सेटल होना है या मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं। तो आप उस एनर्जी में, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ें अपनी तरफ अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो चेकलिस्ट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, टू द पॉइंट है। एंड आपको चाहिए कि आप सारी चेकलिस्ट के जितने बॉक्सेस हैं आप उन सब में टिक कर लो। वो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एक तो आपका नेचर ऐसा है, आप
आप लियो हो, आप नहीं करते कॉम्प्रोमाइजेस, आप नहीं करते यू नो सेटल डाउन फॉर बेयर मिनिमम वाली एनर्जीज ही नहीं है आपकी. आपको चाहिए कि आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ परफेक्ट थिंग. तो वो कहीं ना कहीं लियोज को प्रॉब्लम करता है. ईगो ऑब्वियसली आपकी जोडियाक का ट्रेड है, एटीट्यूड आपकी जोडियाक का ट्रेड है. मतलब यू आर रूल्ड बाय सन, सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आदत है उस चीज़ की. आप बेसिक, आप नेचर वाइज ही ऐसे हो, तो कोई कमी नहीं है. बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कॉन्शियसली अवेयर रह के थोड़ा सा मेल्ट डाउन होने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेलो होने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी आसान तरीके से रिजॉल्व होंगी. ठीक है, कुछ में से आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जैसा मैंने बोला, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे ऑलरेडी, या तो बहुत ही गैप गैप में बात हो रही होगी, जैसे हफ्ते में एक बार बात हो गई, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या तो अभी तक अगर कम्युनिकेशन नहीं आया है तो आने लगेगा उनका. लेकिन थोड़ी सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो मूविंग एनर्जीज, बट हाँ अब ये आपके पास आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आएंगे. अब बात कर लेते हैं सिंगल्स की, या जिनका लव इंटरेस्ट है, जो क्रश से बात कर रहे हैं और जिनका मतलब शुरू होने वाला है रिलेशनशिप. आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सामने आपको पर्सन दिख रहा है वो नया है आपकी लाइफ में, एंड आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. तो यू नीड टू अलाउ टाइम, डोंट रश इन टू एनीथिंग, क्योंकि आप उस मैनिफेस्टिंग एनर्जीज में, इसलिए चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर आ रही हैं. बट यूनिवर्स को नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है. यूनिवर्स आपको वही देगा जहाँ पे आपकी एनर्जीज लग रही हैं. सो इट इज़ योर कॉन्शियसनेस कि आप देखो कि क्या ब्लैक है क्या वाइट है. बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना. तो डोंट रश इन टू एनीथिंग, थोड़ा सा आप स्लो रहो, थोड़ा सा देखो समझो जानो उस इंसान को, एंड देन डिसाइड कि आगे क्या करना है. ठीक है, आई रियली होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी. अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक. अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सिर्फ टैरो रीडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, बट मैजिक, मैनिफेस्टेशन, यू नो क्रिस्टल्स, माइंडफुलनेस, मंत्रा, सबकी बात करते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगी. ठीक है, मैं बात करती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय.